हेलो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ कोणार्क टेम्पल। ये कोणार्क टेम्पल जाने का एक रास्ता है। ये देखिए कोणार्क टेम्पल आपको दिख रही है। हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, टिकट ले लिए हैं और हमारे गाइड हैं वो आगे में, और हम लोग का ग्रुप का नाम कृष्णा है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, और ये जो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत पल दिख रही है और कितना ग्रीनरी है, और पार्क भी अच्छा खासा। आप देख सकते हैं कितना बादल भी कितना अच्छा दिख रहा है। थोड़ी सी गर्मी है बस, लेकिन एक अलग आनंद आ रहा है। आप देख सकते हैं सामने से और अच्छा व्यू है, और आप देख सकते हैं आगे में दो बाघ है, हाथी है, सबका चित्र बना हुआ है, कला प्रदर्शित हो रहा है। अभी हम लोग गाइड के साथ जा रहे हैं, अब वो बताएंगे हर एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे करके कि क्या क्या इस जगह का विशेषता है, क्या क्या इसका होता है। ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष 12 मास में 24 पक्ष होता है। 24 ही पक्ष के लिए 24 पहिया बनाया। 7 घोड़ा देने का मतलब क्या था? ये होता है सूर्य मंदिर। सप्तक होता है 7 दिन, सूर्य को सप्त रश्मि, इसीलिए 7 घोड़ा लगाया। दाएं तरफ 4 घोड़ा था, बाएं तरफ 3 घोड़ा। दाएं तरफ 12 पहिया, बाएं तरफ 12 पहिया। बाबू आदमी का जो तीनों स्टेज में अवस्था, बच्चा युवक और वृद्ध, ये मंदिर तीनों स्टेज में तीनों भाग में बनाया। बाबू बच्चों लोग को देखने के लिए नीचे चारों तरफ हाथी घोड़ा जानवर बनाया, बच्चों के लिए एनिमल्स बनाया, यंग मैन के लिए टॉप टू बॉटम 64 64 प्रकार कामशास्त्र मूर्ति बनाया, और वृद्धों के लिए ओल्ड मैन के लिए भगवान मूर्ति बनाया, स्टेज ऑफ लाइफ। फिर भी मेरा छोटा ब्रदर का मन में डाउट आ जाएगा, मंदिर पे इतना कामशास्त्र मूर्ति क्यों बनाया? दो क्वेश्चन आंसर। देख सकते कितना अद्भुत दृश्य है, और ये बहुत बेहतर दिख रहा है कोणार्क टेम्पल। थका मुख घोड़ा का फेस भी नीचे हो गया। मध्यान्ह सूर्य बाबू गंभीर फेस मालूम होगा, प्रभात सूर्य एकदम स्माइलिंग फेस रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अद्भुत दृश्य है, और हमारा गाइड भी साथ में है, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता रहे हैं। अब उनकी बातों को सुन सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं वो। और आप देख सकते हैं कितनी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। गवर्नर था, इसका नाम था JA बोरोलिन। 1903 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मंदिर को उधार करके ये बालू सीमेंट एक प्लेन पत्थर जॉइंटेड किया। मैडम थोड़ा आगे आ जाइए, फास्ट आगे आइए। फास्ट क्या था, दोनों पत्थर को होल करके SMF के आयरन, इसका भीतर लोहा देखिए टूटा जगह पर लोहा रो खिला दे के ज्वाइंट किया था। पाथर भी तेरे आयरन मिस किया, लोहा मिस किया, ऊपर जो मैग्नेट था, मैग्नेट मंदिर को बैलेंस किया था। मैग्नेट हटाने का बाद में मंदिर अलबैलेंस होकर कोलैप्स हो गया, डाउट क्लियर हो गया। देखिए जी, आप लोग अभी हाथ में घड़ी यूज किया टाइम देखने के लिए। बाबू आपका मोबाइल में अभी भी टाइम फिटिंग हो गया। फास्ट आप लोग बताया मंदिर 1238 में शुरू होकर 50 में पहला रोशनी, पहला आलोक एक्सिलिका पर गिरेगा, ये एक्सिलिका छाया सीधा ये स्पोक में गिरेगा, ये स्पोक में गिरने से सुबह 6 होगा। एक स्पोक रू अन्य स्पोक डिफरेंस होता है 3 आवर्स, पार्थक होता है 3 घंटा। वहाँ से 6 वाले वहाँ से 9 होगा। ये सेंटर के सेंटर है, इसका भीतर में जो छोटा छोटा गुला है, ये जो नीचे बिंदी, ये सेंटर के सेंटर है, इसका भीतर में 60 बिंदी है। एक एक बिंदी का डिफरेंस 3-3 मिनट, 60 × 3 = 180 = 3 आवर्स। जी देखिए अभी टाइम कितना होगा, एडजस्ट कर बताएगा, घड़ी का टाइम संग मिला के दिखाएगा। देखिए मेरा पेन का शैडो कहाँ पड़ा है, थोड़ा नीचे सेंटर पॉइंट देखिए, पॉइंट देखिए गलत हो गया। वहाँ से पूरा स्ट्रेट सीधा करो, नहीं वहाँ होगा कि एक जो टॉस तरफ जाएगा। देखिए वहाँ से 6, वहाँ से 9, वहाँ आने से 10:30 होगा। देखिए कितना टॉस गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 4 तिरकी एक तो ज्यादा हो रहा है। देखिए 10:30 बजने के लिए 14-15 मिनट बाकी है, 14 मिनट की 13 मिनट बाकी आपका घड़ी मिला। ये चलिए ठीक है, चलिए चलिए बाबू, जब तक सूर्य रहेगा परफेक्ट टाइम मिलेगा। सूर्य का मतलब किरीट नहीं, किरीट माने मकुट नहीं, एकदम हसमुख बाबू भैया, मेरा बात थोड़ा हेलो भैया। अब देख सकते हैं दूर से कितना अद्भुत दृश्य दिख रहा है, और सामने से भी कितना अनोखा दृश्य दिख रहा है कोणार्क टेम्पल का। ये अद्भुत नज़ारा है, आप एक बार आकर विजिट जरूर करें यहाँ पर, और आप जब भी देखें तो आपको बहुत अनोखा बनाया गया है पहले का कारीगरी के। फिर मिलते हैं नया वीडियो में आपको नया